मेन हम लोग बात करेंगे 2020 का, मतलब 2020 की जो नियमित नियमावली है चयन प्रक्रिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा एक 34,540 कोटि के शिक्षकों के बारे में बात करें। ये सब प्रक्रिया चली रही थी तो जो अनट्रेंड टीचर थे वो लोग चले गए कोर्ट में। क्यों कोर्ट में गए? कोर्ट में जाना उनका राइट था। क्यों राइट था? इसलिए कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट होता था 1990 के पहले कि जिनको भी हम शिक्षक के रूप में अपॉइंट करेंगे उनका हम नियुक्ति करेंगे, ठीक है, तो उसका वायलेशन हो रहा था। तो मतलब वो चले गए वो लोग कोर्ट में और कोर्ट का फिर डिसीजन आया कि जो ट्रेंड है पहले से उनका एक पैनल बनाया जाए और जो जो वैकेंसी है सहायक शिक्षक का उसमें भी क्या किया गया, सहायक शिक्षक का जो पोस्ट होता था वो मरणशील घोषित कर दिया गया था। मरणशील का मतलब क्या होता है कि रिटायर करते जाएंगे और वो पोस्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो वो मरणशील घोषित कर दिया गया था। तो जितने भी पोस्ट बचे हुए थे उस समय तो कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट से मतलब कोर्ट केस जीत करके आए और कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई इन लोगों को जो है ये क्या कहते हैं हम लोग इसकी ये इसका नियुक्ति करना अनिवार्य है और पैनल बना करके उसकी नियुक्ति की गई। तो जो लिस्ट आया वो आया 34,540 लोगों का, इसीलिए ये कहा जाता है 34,540 कोटि के शिक्षक। बहुत सारे शिक्षक आपको मिलेंगे जो 34,540 कोटि के हैं, वो नियमित बोर्ड के शिक्षक हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। अब इस पर देखिए, अब आपके